नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिहार में बंपर बहाली, 65,000 युवाओं को नौकरी देने का ऐलान, इन दो विभागों में होगी भर्ती। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। बिहार में सरकारी पदों पर बंपर बहाली निकालने वाली है। लगभग 20,000 पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह ऐलान किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में 20,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। मंगल पांडे ने कहा कि 10,000 रेगुलर और 8,000 से अधिक संविदा पदों पर नर्स की बहाली की जाएगी। जल्द ही बिहार सरकार बहाली प्रक्रिया को शुरू करेगी। इसके साथ ही बिहार सरकार प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बहाली करने वाली है। बिहार में शिक्षकों के पदों पर बंपर वैकेंसी है। राज्य में जल्द ही 45,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में यह भी निर्णय पारित हो गया है। प्राथमिक स्कूलों में 40,518 शिक्षकों की बहाली होगी, जबकि माध्यमिक स्कूलों में 5,334 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी, बीटा एसिक हॉस्पिटल में अब खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज। बिहार के वैसे छात्र छात्राएं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, यह खबर उनके लिए है। अगले साल यानी कि 2022 से एक और मेडिकल कॉलेज बिहार में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मेडिकल में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए यह बड़ी खबर है। राजधानी पटना के बीटा ESIC हॉस्पिटल में नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। राज्य सरकार की ओर से यह मांग की गई थी, जिस पर विचार के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। अब 2022 सत्र से MBBS की 100 सीटों के लिए एडमिशन शुरू होगा। मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी दिए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्री मंगल पांडे ने धन्यवाद दिया है और केंद्र सरकार का आभार जताया है। गौरतलब है कि इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की मांग लंबे समय से राज्य सरकार कर रही थी। इस मामले पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब 2022 से यहां MBBS के 100 सीटों के लिए एडमिशन लिया जाएगा। बिहार में नवनियुक्त 49,000 शिक्षकों में 632 फर्जी निकले, कई और के पकड़े जाने की उम्मीद, नियोजन करने वालों पर भी शक। बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में अब तक लगभग 49,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। नियुक्ति किए गए शिक्षकों की जांच पड़ताल में पाया गया है कि 632 शिक्षक फर्जी हैं। उन्होंने फर्जी कागजातों के आधार पर नौकरी ले ली है। ये तादाद तब है जब अब तक सभी नवनियुक्त शिक्षकों के कागजातों की जांच नहीं हुई है। सरकार को कई और फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने की उम्मीद है, वहीं उन्हें नियुक्त करने वाले नियोजन इकाई पर भी शक के दायरे में है। दरअसल राज्य सरकार ने निर्देश दे रखा है कि नियोजन इकाइयों द्वारा नियुक्त शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्र को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाए ताकि शिक्षा विभाग उनकी जाँच पड़ताल करा सके। राज्य भर की नियोजन इकाइयों ने अब तक कुल चयनित 49,348 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया है। शिक्षा विभाग ने अपनी जांच में पाया है कि उनमें से 632 ने फर्जी दस्तावेज देकर नौकरी हासिल की है। अब सरकार उन्हें नौकरी देने के बजाय जेल भेजने की तैयारी में है। ऐसे तमाम फर्जी शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक फर्जी सर्टिफिकेट देकर नौकरी लेने वालों में सबसे ज्यादा लोग बक्सर में पकड़े गए हैं। बक्सर में 121 फर्जी शिक्षकों को पकड़ा गया है। IGIMS में अब 5,00,000 में होगा लीवर ट्रांसप्लांट, 10,00,000 का अनुदान देगी केंद्र और राज्य सरकार। बिहार में अब मरीजों का लीवर ट्रांसप्लांट 5,00,000 रुपये में किया जाएगा। पटना के IGIMS में यह सुविधा मरीजों को मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए IGIMS को अनुदान देगी। अभी 10 लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर मरीजों को 40-60,00,000 रुपये तक खर्च करने होते हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर अनुदान देने की स्वीकृति दे दी है, अब लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 5,00,000 रुपये लगेंगे। इस बात की जानकारी अस्पताल के अधीक्षक मनीष मंडल ने दी है। IGIMS के अधीक्षक मनीष मंडल ने बताया है कि पहले से ही लीवर ट्रांसप्लांट का काम संस्थान में हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा पैसे खर्च होते थे। जो मरीज यहां पहुंचते थे वो लीवर ट्रांसप्लांट कराने से कतराते थे, क्योंकि इतना रकम चुकाना गरीब मरीजों की बस के बात नहीं थी। मरीजों को इसी परेशानी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखा गया था। सरकार ने इसे अपने संज्ञान में लिया, जिसके बाद अनुदान देने का फैसला लिया है।
पटना में अक्टूबर से शुरू होगा जनसेवा केंद्र। होल्डिंग समेत कई टैक्सों को जमा करने में होगी सहूलियत। पटना शहर में बने जनसेवा केंद्र से अक्टूबर के पहले सप्ताह से अलग अलग तरह के प्रमाण पत्र मिलने की सुविधा शुरू होने की संभावना है। जनसेवा केंद्र से लोगों को सुविधा मिले इसके लिए अंतिम तैयारी चल रही है। जन सुविधा केंद्र के भवन बनकर तैयार है, उसमें तकनीकी सामान के साथ अन्य तैयारियां की जा रही है। जानकारी के अनुसार जनसेवा केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होने की संभावना है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की बैठक में उद्घाटन को लेकर तिथि का निर्धारण होना है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की बैठक अगले एक सप्ताह में होनी है। जन सुविधा केंद्र के शुरू होने से लोगों को कई प्रकार के प्रमाण पत्र एक छत के नीचे मिलने लगेगा। पहले चरण में 9 जन सेवा केंद्र की शुरुआत होगी। बिहार में बस यात्रियों के लिए झटका, अगले महीने से बढ़ेगा किराया। जानिए कितने रुपये का बढ़ेगा बोझ। बिहार में प्राइवेट और सरकारी बसों के किराए में बढ़ोतरी होने वाली है। परिवहन विभाग ने किराए की नई दरों को अगले महीने से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से अंतिम मुहर लगने के बाद लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार किराए की नई दरों से लोगों की जेब पर कम से कम 15 से 20 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। विभाग ने बस मालिक और आम लोगों से संशोधित किराए के संबंध में दावा आपत्ति मांगी है, जिसे विभाग ने वेबसाइट पर डाल दिया है। संशोधित बस भाड़े को लेकर शिकायत नहीं होने पर इसे लागू कर दिया जाएगा। विभाग ने डिलक्स एसी वॉल्वो व नगर बस सेवा के किराए की संशोधित दरें निर्धारित की है। बिहार पंचायत चुनाव में दागी मुखिया जी को मिली बड़ी राहत, लड़ पाएंगे चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इससे जुड़ी खबर यह है कि जिन मुखियाओं पर योजनाओं में गड़बड़ी करने का आरोप है, लेकिन अब तक पंचायती राज विभाग की तरफ से उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है, ऐसे मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि इस बार पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। हालांकि रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड के 10 मुखिया पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इधर पटना में 8 दागी मुखिया पर अब तक पंचायत राज विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि महीने भर से पटना में 8 मुखिया के चुनाव को लड़ने को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन पंचायती राज विभाग ने उन्हें अब तक दोषी करार नहीं दिया है, लिहाजा चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई गई है। पटना के जिन मुखिया को राहत मिली है उनमें पालीगंज, धनरुआ, पटना सदर, नौबतपुर और बीटा प्रखंडों के मुखिया शामिल है। इन सभी पर आरोप है कि नली गली और जल जीवन हरियाली मदद से मिली राशि का दुरुपयोग किया है। ऐसी स्थिति में जिला पंचायत राज पदाधिकारी की पर डीएम ने पिछले साल इन मुखियाओं पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था, लेकिन विभाग की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जा सका। बिहार में स्कूली बच्चों को बड़ी राहत, इस साल के अंत तक जारी रहेगा ऑनलाइन क्लास का विकल्प। कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म होने के बाद भले ही बिहार में स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन ज्यादातर बच्चे अभी भी ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अब बड़ा फैसला किया गया है। नीतीश सरकार ने इस साल के आखिर तक बच्चों को ऑनलाइन क्लास का विकल्प जारी रखने का फैसला किया है। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुशंसा पर शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूली बच्चों के लिए दिसंबर तक ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने पर मुहर लगा दी है। अब बच्चों के पास दोनों विकल्प रहेगा। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमिला कुमारी ने शिक्षा विभाग को लेटर भेजा था। ऑनलाइन क्लास को लेकर बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक ने सभी डीईओ को इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए डीडी बिहार पर रोजाना 5 घंटे की पाठशाला पूर्ववत चलती रहेगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने जिला शिक्षा को भेजे अनुशंसा में कहा है कि बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने के प्रदत्त अधिकार के तहत दिसंबर तक जो भी परीक्षाएं होंगी वह ऑनलाइन होंगी। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, 8 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ है। पटना समेत 8 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तेज बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में मौसम की स्थिति को देखते हुए बिहार के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुजफ्फरपुर, बक्सर, अरवल, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पटना और भोजपुर जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। लोगों से यह आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि खुले में हैं, तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण ले, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें।
चुनाव किसी भी तरह के हो, लेकिन इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर होता है। खासतौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चुनाव के कारण प्रभावित होती है, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव के बावजूद इस बार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। पंचायत चुनाव के दौरान राज्यभर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की निरंतर व्यवस्था जारी रखने को लेकर विशेष व्यवस्था में विभाग जुट गया है। इसको लेकर रणनीति बन रही है। पंचायत चुनाव और स्कूलिंग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जल्द ही विभाग की तरफ से जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई भी जाती है, तो तरीका ऐसा हो कि स्कूलों की पढ़ाई बाधित न हो। शिक्षा विभाग इस प्रयास में जुट गया है कि डेढ़ साल कोरोना काल में बाधित हुई बच्चों की पढ़ाई अब अगले 4 माह चुनाव की वजह से न रुक जाए। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।